नमस्कार दोस्तों, सुख प्रभात और जय माता। तो मैं हूं रोशन, आपका दोस्त और आपका होस्ट, और मैं फिर से आ चुका हूं अपने चैनल डिफिकल्टी टू क्रिएटिविटी, यानी कि कठिनाई से रचनात्मकता। तो अगर आपके जीवन में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, तो तरक्की है, कामयाबी और हौसलों की उड़ान है। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको अपना नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बताया था बिजनेस मार्केट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, हम अपनी कंट्री की अगर बात करें, अपने भारत देश की अगर बात करें, तो यहाँ पे एक सिस्टम है जिसे कहते हैं बिजनेस चेन। बिजनेस चेन का मतलब एक दुकानदार आपके घर के पास में होता है, मार्केट में होता है, उसकी दुकान में जो भी सामान वो बेचता है वो उस तक कैसे पहुँचते हैं और उसके बीच में उसका मार्जिन क्या होता है, यानी उसका मुनाफा कैसे होता है, जब इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जब सुबह नींद में से उठते हैं तो सबसे पहले आपको किन तीन आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले टूथपेस्ट आपको लगता है, उसके बाद नहाने के लिए साबुन लगता है, बालों में लगाने के लिए तेल या शैम्पू लगता है, और अपनी स्किन पे लगाने के लिए क्रीम लगती है, यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ें। तो ये चीज़ें आप तक, लोगों तक पहुँचने से पहले कैसे सिस्टम में, कैसे चेन के थ्रू आप लोगों तक पहुँचती हैं, हम आज इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तेल, साबुन, शैम्पू, कंघी, बेसिक चीज़ों की, तो सबसे पहले जो चार एलिमेंट इसमें होते हैं, इस चेन सिस्टम में, इस पूरी प्रक्रिया में, सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, यानी कि उत्पादनकर्ता। उदाहरण के तौर पे आप अगर कोलगेट या क्लोजअप को टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, लग साबुन यूज़ करते हैं, तो ये आपके शहर में नहीं बनते हैं, ये बनते हैं फैक्ट्रीज में, जो जनरली होती है गुड़गांव, दिल्ली, अलग अलग जगह जहाँ इनके प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो इन्हें उत्पादन करता है उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरर। तो ये मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर से माल फैक्ट्री में बन के जब निकलता है तो वो जाता है डीलर के पास, जो होता है कि स्टॉकेज, जिसके पास स्टॉक होता है। डीलर से वो सामान निकल के जाता है होलसेलर के पास, यानी होलसेलर यानी वो जो आपके शहर में थोक विक्रेता होता है, और उसके बाद वो चीज़ आती है रिटेलर के पास, और ये रिटेलर वही होते हैं जो आपके घर के आसपास की छोटी मोटी दुकानें होती हैं जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, और रिटेलर से आता है आपके पास, यानी कि कस्टमर, यानी कि एंड यूज़र, यानी हमारे पास। तो ये जो पूरी चेन होती है इसमें चार लोग मेन होते हैं, मैन्युफैक्चरर यानी उत्पादनकर्ता यानी कि फैक्ट्री, उसके बाद डीलर, स्टॉकिस्ट जो अपने पास से सारे सामान रखता है, डीलर से आता है होलसेलर के पास जो थोक विक्रेता होता है, और उसके बाद आता है रिटेलर के पास, यानी कि वो छोटी छोटी किराने की दुकानें या सामान की दुकानें जहाँ से आपके सामान खरीदते हैं, और उसके बाद हमारे पास। तो अब ये सिस्टम कैसे चलता है, उदाहरण के तौर पर समझिए, आप 10 रुपये की कोई टूथपेस्ट खरीदते हैं तो वो 10 रुपये की टूथपेस्ट आपको 10 रुपये में पड़ती है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरर यानी कि उत्पादनकर्ता जो उसे दिल्ली, गुड़गांव या बड़े बड़े शहरों फैक्ट्री में बैठ के बनाते हैं, तो उन्हें उसकी लागत उतनी नहीं पड़ती। महज कीजिए, कोई चीज़ 10 रुपए की वो बनाते हैं, जिसकी लागत, उसे बनाने का मूल्य, उसे बनाने का खर्चा जो उन्हें लगता है वो 10 रुपए है। तो 10 रुपए अगर मैन्युफैक्चरर को लगते हैं, तो वो 10 रुपए की चीज़ जब एक स्टॉकिस्ट के पास आती है, यानी कि डीलर के पास आती है, जो उनकी एजेंसी से वो सामान लेता है, तो उसे वो 13 रुपए में बेचता है, 10 रुपए की चीज़ 13 रुपए में। अब इस स्टॉकिस्ट से वो चीज़ जब होलसेलर के पास आती है, वो होलसेलर जिसके पास से छोटे दुकानदार, यानी कि बड़े दुकानदार जो थोक में सामान कम भाव में देते हैं, उनसे छोटे दुकानदार खरीद के ले जाते हैं, तो इस होलसेलर के पास जब वो चीज़ आती है 13 रुपए की, तो वो हो जाती है 16 रुपए की, पैसा तो उसे भी कमाना है। और यही 16 रुपए की चीज़ जब आती है रिटेलर के पास, यानी कि उस दुकानदार के पास जिससे आप जाके वो चीज़ खरीदते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है कहीं ना कहीं 19 रुपए की, 20 रुपए की, और उस रेट में वो आपको बेचता है। तो देखा आपने दोस्तों कि 10 रुपए की चीज़ कैसे 20 रुपए की बन गई, क्योंकि इस बीच में सभी लोगों की मेहनत, उनका कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से चेन सिस्टम चलता है मार्केट का। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जिनका फैक्ट्री का जो रेट होता है, प्रोडक्शन का जो रेट होता है, इतना कम होता है, हम तक आते हैं तो उनकी कीमत क्यों बढ़ जाती है? तो इस दौरान इन सब चैनल्स के थ्रू से होकर वो गुजरती है, और प्लस ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर तक वो चीज़ ट्रकों के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पहुँचाने में भी उसका कॉस्ट जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों, बिजनेस की यही बेसिक बातें होती हैं, जो अगर आप समझ लें तो आप भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको अपना इंटरेस्ट और किस लाइन में आपको बिजनेस करना है ये पता होना चाहिए, और हाँ, कहाँ से खरीदना है, कितने रेट में खरीदना है और कब बेचना है, अगर ये आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। उदाहरण के तौर पे हमारे हिंदुस्तान में गुजरात स्टेट में जो सूरत शहर है, वहाँ पे कपड़ा काफ़ी सस्ते रेट में मिलता है, तो जो लोग कपड़े का व्यापार करने में इंटरेस्टेड हैं, वो वहाँ से सामान खरीदते हैं, वहाँ से स्टॉक उठाते हैं और उन्हें अपने शहर में ला के बेचते हैं। बात करो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की, इलेक्ट्रिकल्स की, मोबाइल फोन्स, बैटरीज, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इसका सबसे सस्ता मार्केट है दिल्ली के लालगंज करोल बाग में। ये वो जगह है जहाँ पे काफ़ी कम रेट में, महज कीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप 100 रुपये में खरीदे तो वहाँ पे 30, 40, 60 इस रेट में मिल जाता है। तो मार्जिन मनी कितनी बनी? 40 से 50 रुपये। तो ये जो मार्जिन मनी है, सारा खेल इसी का होता है। तो अगर
तो अगली बार जब भी आप बिजनेस करें तो इस बात का ध्यान रखें इन चार एलिमेंट्स का, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आता है आपका डीलर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर। इस चेन के माध्यम से जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों के जो सामान होते हैं, जरूरत के सामान, वो हम तक पहुंचते हैं। तो इस बार के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब अगले वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन 7-8 जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है उस बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड जय माता। थैंक यू सो मच।